हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुशिका एजुकेशन। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा दर सिंह। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट डिफरेंस जानेंगे फ्रीवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। पता है ये वीडियो बनाने का आइडिया मेरे को कैसे आया? कुछ बच्चों ने आके मुझे ये क्वेश्चन दिखाया और उन्होंने कहा कि मैम हम बहुत कन्फ्यूज थे इस क्वेश्चन में। सॉफ्टवेयर यू कैन डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट एंड यूज़ इट बट कांट चेंज इट्स सोर्स कोड। यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप डाउनलोड कर सकते हो, यूज़ भी कर सकते हो, आपको उसके लिए कोई पैसा नहीं देना है, बट आप उसके सोर्स कोड को चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये चार ऑप्शन है। जब तक मैं आपको इनके बीच में डिफरेंस बताती हूँ कि फ्रीवेयर या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है या फ्री सॉफ्टवेयर क्या होता है, तब तक आप कमेंट में अपना आंसर दे सकते हैं। लास्ट में मैं इसका आंसर आपको बता दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो फ्रीवेयर होते हैं ना, उनको आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, बट कांट चेंज सोर्स कोड। देखो, जैसे आपको पता है कि फ्रीवेयर भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कुछ पीछे प्रोग्रामिंग की जाती है, किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग की जाती है, ठीक है। उस कोड को अगर आपने ओपन कर दिया, ठीक है ना, पब्लिक के साथ शेयर कर दिया, तो वो ओपन सोर्स बन गया, ठीक है ना। यानी कि मतलब सोर्स कोड जो होता है वो कोडिंग ही होती है। तो यहाँ पे आप समझें कि फॉर एग्जांपल आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, ठीक है। गूगल क्रोम सिर्फ आप यूज़ कर पाते हैं अपने कंप्यूटर में या फिर अपने फ़ोन में, ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेते हैं। क्रोम को यूज़ करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते। तो एक तो ये फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं आप और फ्री में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जो गूगल क्रोम है उसका जो कोड है उसको चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते। ध्यान रखेंगे, फ्रीवेयर में क्या होता है, हम फ्री यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हमें फ्री यहाँ पर मतलब है मनी के मैटर में, ठीक है, आपको कोई पैसा नहीं देना है, फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, ओके। बहुत बड़ा डिफरेंस है फ्रीवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर में, ये ध्यान से समझेंगे। कई बार बच्चे ना इसको कंफ्यूज कर लेते हैं कि फ्रीवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर सेम चीज होती है। ये सेम चीज नहीं होती है। फ्रीवेयर बोले तो कि पैसे के मामले में फ्री है और हम इसको यूज कर सकते हैं लेकिन चेंज नहीं कर सकते हैं, ध्यान रहे। अब देखो, अब हम बात आती है हमारी, मैंने दो और चीजें बताई थी, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर। जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, पैसे के मामले में नहीं, यूज़ करने के मामले में, ठीक है। वो उनकी मर्जी रहती है कि पैसा, मोस्ट ऑफ द टाइम तो फ्री रहते हैं पैसे के मामले में, लेकिन वो चार्ज कर सकते हैं पैसे, ठीक है। तो ऑल फ्री सॉफ्टवेयर इज ओपन सोर्स। जितने भी फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं वो ओपन सोर्स होते हैं, और जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, और इस वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस है, फ्री सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स में सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है? ओपन सोर्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस रह सकती हैं, लेकिन फ्री सॉफ्टवेयर में यूज़ करने के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। तो इसको ध्यान से मैं आपको टेबल में समझाती हूँ, जल्दी से समझेंगे। देखो, फ्रीवेयर में क्या होता है, मैंने बताया कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, आपको कोई पैसा नहीं देना है, डाउनलोड कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन ठीक है, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप उसको रीयूज़ नहीं कर सकते। रीयूज़ करने का मतलब है कि आपने उसमें कुछ चेंज कर दिया, जैसे क्रोम है, क्रोम आप यूज़ कर रहे हो, हर बार सेम ही डाउनलोड होगा, आप उसमें अपना जो काम करते हो वो कर सकते हो, उसके अंदर उसकी इंटरनल फंक्शनिंग आप चेंज नहीं कर सकते, यानी कि आप उसका सोर्स कोड नहीं चेंज कर सकते। फ्रीवेयर के लिए दो चीज़ें ध्यान रखेंगे, एक तो पैसों में फ्री रहता है और सोर्स कोड नहीं चेंज कर सकते, राइट। देखो, फ्री का यहाँ मतलब है फ्रीडम है भाई, आप इसको क्या कर सकते हो, जो भी क्या होगा, ये भी एक तरीके का ओपन सोर्स ही होता है। जैसे मैंने अभी पिछले पीछे बताया था कि ओपन सोर्स के अंदर ही फ्री सॉफ्टवेयर आते हैं, ओपन सोर्स में और इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो मेंशन होते हैं उनमें कई बार कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है। फ्री सॉफ्टवेयर बिल्कुल ही फ्री होते हैं, इनका आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो, क्योंकि मैंने कहा कि सोर्स, इनमें भी सोर्स कोड फ्री रहेगा, इसमें भी सोर्स कोड फ्री रहेगा। तो जब सोर्स कोड दे दिया, यानी कि किसी ने अपना कोड दे दिया कि भाई उसने सॉफ्टवेयर कैसे बनाया था, तो आप उस कोड को मॉडिफाई कर सकते हो। उस कोड से हो सकता है कि आप एक नया सॉफ्टवेयर बना लो और उस सॉफ्टवेयर को फर्दर आप बेच दो, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पाइथन है, ठीक है, पाइथन को आप क्या करते हो, पाइथन से यूज़ करके आप कोई ऐप बना सकते हो, आप उस ऐप को बेच सकते हो, राइट। टू रन, कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इसमें, और यहाँ पे लिटिल रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है ना। बट ध्यान रहे कि ये दोनों फ्री ऑफ चार्ज हमेशा नहीं होते, हो सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं, ये हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। यहाँ पे जो फ्री होता है ना, ये आज़ादी के मामले में फ्री है, पैसे के मामले में फ्री नहीं है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और सोर्स कोड का, सोर्स यहाँ पे भी सेम मतलब ओपन रहता है, यूज़र सोर्स को यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन बना सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसको इम्प्रूव करके बाकी रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है, सेम ओपन सोर्स में।
सॉफ्टवेयर इज समथिंग दैट यू कैन मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे क्योंकि वो आपको राइट दे देते हैं चेंज करने के, सोर्स कोड ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल पब्लिकली, सोर्स कोड जो होता है वो अवेलेबल रहता है, आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है मेन, क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं फ्रीवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर, ओपन सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पे सीधा सा मैं आपको बताती हूँ, देखो इस क्वेश्चन के देखेंगे। अभी जो मैंने आपको पूछा था, सॉफ्टवेयर यू कैन डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है इन दोनों में, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। बट कांट चेंज इट सोर्स, इसमें भी आप सोर्स चेंज कर सकते हो, इसमें भी सोर्स चेंज कर सकते हो, तो ये तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकते। आप इसका सोर्स कोड चेंज नहीं कर सकते, तो आंसर ए होगा। आई होप सो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसा ही कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट आपका कंप्यूटर रिलेटेड है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।